मैं इस्तामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। आज जुमे की नमाज के बाद शहर शहर में विरोध प्रदर्शन देखने को मिला, लेकिन ये विरोध प्रदर्शन हिंसक रूप ले लिया है। दरअसल आपको बता दें कि दिल्ली से लेकर मुरादाबाद, सहारनपुर, प्रयागराज, देवबंद और रांची में आज जमकर बवाल हुआ है। हालांकि पुलिस ने मौके पर मोर्चा जरूर संभाल लिया है। आपको तीन शहरों की ये तस्वीर दिखा रहे हैं। मुरादाबाद, सहारनपुर, प्रयागराज की ये तस्वीर है जहां जुमे के नमाज के बाद नुपुर शर्मा के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई और उसके बाद यहां पर पत्थरबाजी भी हुई है। ये तीन शहरों की तस्वीर आप देख रहे हैं, मुरादाबाद, सहारनपुर, प्रयागराज की। और आपको बता दें कि शहर शहर में नुपुर शर्मा के खिलाफ जुमे के नमाज के बाद विरोध प्रदर्शन हो रहा है और ये विरोध प्रदर्शन उग्र रूप लेते जा रहा है। अब आपको देवबंद की तस्वीर दिखाते हैं। देवबंद में भी काफ़ी बवाल हुआ है, पुलिस प्रदर्शनकारियों को पकड़ रही है। ये देवबंद की तस्वीर है जहाँ पर नुपुर शर्मा के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहा था जुमे के नमाज के बाद, और वहाँ पर पुलिस अब इन्हें पकड़ रही है। हालाँकि आज जिस तरह से शहर शहर में विरोध प्रदर्शन हुआ है, कई पुलिस वालों के घायल होने की भी खबर सामने आई है। आपको बता दें किसी तरह से रांची की भी तस्वीर सामने आई है। रांची में भी आप देख सकते हैं नमाज के बाद यहां पर पत्थरबाजी हुई, लोग उग्र हो गए। नुपुर शर्मा के खिलाफ यहां भी नारेबाजी जमकर हुई। ये रांची की तस्वीर है जहाँ जुमे के नमाज के बाद यहाँ पर भी जमकर पत्थरबाजी हुई है। हालांकि आज जुमे की नमाज को देखते हुए प्रशासन ने कड़ा बंदोबस्त लगाया था, मगर इसके बाद भी जुमे की नमाज पढ़ने आए लोग उग्र हो गए और नारेबाजी के साथ साथ पत्थरबाजी भी करने लगे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से जुमे की नमाज के बाद मस्जिद के बाहर और मस्जिद में ये नमाज पढ़ने वाले जो लोग आए थे, इन लोगों ने नुपुर शर्मा के खिलाफ, नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग करते हुए ये सभी लोग विरोध प्रदर्शन यहाँ पर करने लगे। और यहाँ पर विरोध प्रदर्शन के दौरान काफ़ी हंगामा हुआ। पुलिस ने इन्हें काबू में करने के लिए लाठी चार्ज भी किया और आंसू गैस के गोले भी छोड़े। हालांकि पत्थरबाजी यहाँ पर काफ़ी देर तक हो रही थी। और आपको बता दें ये प्रयागराज की तस्वीरें हैं जहाँ आग लगा दी गई थी। जो आप तस्वीर देख रहे हैं ठेला गाड़ी है, ठेले गाड़ी में भी आग लगाने की घटना सामने आई है।